अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र या फिर फेस जेल भी इसे कह सकते हैं, जो हमारे फेस को बड़ा ही नरिश करेगा। तो इसे बनाना कैसे है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये वाइट वाला एलोवेरा जेल है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त जेल है, ठीक है। इसके रिज़ल्ट भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी घर में पड़ा हो वो आप ले सकते हैं। हमें इसे इतनी ही क्वांटिटी में लेनी है जितनी के हमारे फेस में ये वन टाइम में यूज़ हो जाए, ठीक है। इसे स्टोर नहीं करना है। और साथ ही हम इसके अंदर ग्रीसलीन के 10 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, यानी कि ग्रीसलीन के 10 बूंद। इसके अंदर ग्रीसलीन के 10 बूंद ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लीजिए, आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो तैयार है। तो देखा आपने किस तरह से मैंने बनाया, सिर्फ दो चीज़ों से आप है ना अपने फेस का देखभाल कर सकते हैं। और दो चीज़ें ये ऐसी है कि आपके घर के आसपास आराम से मिल जाएगा, किसी भी केमिस्ट शॉप में जाकर आप ग्रीसलीन ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एलोवेरा जेल जो होता है वो ऑलमोस्ट आजकल है ना हर के घर में मौजूद होता है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप इसके साथ फ्रेश जेल जो होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल जो होता है, जो कि हम गमलों में अक्सर उगाते हैं अपने घरों में, है ना। तो आजकल जो है एलोवेरा हर के घर में पाई जाती है या फिर जेल भी पाई जाती है। तो इसे यूज़ करना है। इसे इस तरह से बना लिया है मैंने, देख आपको बता दिया मैंने किस तरह से। सिर्फ दो चीज़ों से आप अपने स्किन का जो देखभाल है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में कई जगह बहुत कड़ाके की सर्दी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, रूखा सूखा बेजान हो जाता है। तो इस तरह से हम हाथ में इस तरह से जेल ले लेंगे, ठीक है, और इसे हम इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। तो देखा आपने, इस तरह से आराम से बैठ जाइए और बहुत ही मिजाज से 5-7 मिनट अपने फेस पे अच्छी तरीके से मसाज कीजिए इससे, ठीक है। और मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश नहीं करना है, इसी तरीके से हमें 2-3 घंटे तक छोड़ देना है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको सादे पानी के साथ इसे वॉश कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे इसे आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं। ग्रीसलीन जो है वो हमारी स्किन को टाइट भी करता है, हमारी स्किन को फेयर भी करता है, और ग्रीसलीन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, नरिश करता है हमारी स्किन। हमारी स्किन अगर उसे फट गई है सर्दियों की वजह से, ड्राई हो गई है, बेजान हो गई है, तो उसके अंदर जान लाता है ग्रीसलीन। और एलोवेरा जेल के बारे में तो सबको ही पता है कि एलोवेरा जेल जो है वो हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए होगी। तो पूरी सर्दियां आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप घर में एलोवेरा जेल और जो कि ग्रीसलीन है उसे रख लीजिए, और इस तरह से आप एक अच्छी खासी फेस नरिश मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं, जिससे कि आपके फेस के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपका स्किन इतना ज़्यादा ग्लो करेगा, और कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद ही आप खुद अपने फेस को या फिर हाथ पैरों में सॉफ्टनेस महसूस करेंगे, फेयरनेस महसूस करेंगे, और खुद देखेंगे कि ये कितना कमाल का है।
बाहर के प्रोडक्ट में ढेर सारा पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप घर में बनाइए। आपको पता है कि आपने घर में किस तरह से बनाई है और इनमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स आपने शामिल किया है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए और देखिए कितना अच्छा। आपने देखा, थोड़ा सा ही यूज़ किया है मैंने और फेस पे आप ग्लो जो है वो महसूस कर पा रहे होंगे, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो इसे थोड़े घंटे के लिए आप रहने दें और उसके बाद फिर आप अपने फेस को पानी के, सादे पानी के साथ वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो है ना कमाल की बात। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें ही लेकर हाजिर होती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए, क्योंकि ये लाओ वो लाओ वो लाओ तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई चीज़ मिल जाती है, कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो ये दो जो चीज़ है ये आपके घर के आसपास के मेडिकल में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए लाइए और सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन का खूब अच्छी तरीके से देखभाल कीजिए ताकि आपका स्किन रूखा सूखा और बेजान ना हो, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपनों का रखिएगा ख्याल और मुझे भी दुआओं में ज़रूर से रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।